हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज जो ये वीडियो बनाने में बैठी हूँ, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि मैं रिसेंटली लगातार कुछ खुलासे कर रही हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जी। लगातार उस पर जो मुझे डाउनलोड्स होते जा रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ। मैं सोचती कुछ और हूँ वीडियो बनाने के लिए, और जब बनाती हूँ तो कुछ और बनता है। सो आई कैन से कि डेफिनेटली माई ऑल वीडियोज़ आर एक्चुअली डिवाइन चैनलिंग, क्योंकि मैं कभी प्लान ही नहीं करती हूँ कि मुझे आज क्या बोलना है। और ये बात मैंने कई वीडियोज़ में बताई है, और आज फिर एक खुलासा। नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से खुलासा करने के बाद अब मैं आज आई हूँ करंट एनर्जी का खुलासा करने के लिए। कहते हैं ना, ये जो नवंबर का जो मंथ था, ये था इल्यूजन का, और सारे इल्यूजन का मुझे खुलासा करना है। शायद डिवाइन का यही आदेश है, इसलिए वो मुझसे ऐसे वीडियोस बना रहा है। ठीक है, तो चलिए आज अब हम खुलासा करते हैं करंट एनर्जीज़ का। बहुत जगह आप देखते हो फॉरेन की चैनल्स में भी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन करंट एनर्जी। हमारी भी कई चैनलों में डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, डीएम वर्सेस डीएफ और दिस एंड दैट एवरीथिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको खुलासा करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है करंट एनर्जी। चलिए अब हम कुछ ऐसा समझते हैं कि जैसे कि आपके घर पे सुबह सुबह जब आप जाते हो, देखते हो कि धूप निकलती है सुबह सुबह। ठीक है, अब अगर किसी का घर बिल्कुल गली के अंदर है, ठीक है ना, तो शायद उनके घर के कमरों में धूप का नामो निशान भी ना पहुँचे। ठीक है, और किसी का घर इतने खुले में है कि उसके हर एक कमरे में धूप पहुँच रही है। मानते हैं ये बात? किसी का बड़ा ही सफोकेटेड एरिया में है, या किसी ऐसे अपार्टमेंट में है जहाँ पर कि आसपास इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं कि किसी भी कमरे में धूप पहुँचती नहीं है और लाइट जलानी पड़ती है दिन के वक्त, और कहीं कहीं पर आपको शाम तक लाइट जाने की ज़रूरत ही नहीं है और हर कमरे में बिल्कुल आपकी धूप रहती है कभी ना। तो ये फ़र्क क्या है, ये क्यों है? बट ऑब्वियस आप जानते हैं कि क्या फ़र्क है। इसी प्रकार से जो एक जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है, डिवाइन की जो एनर्जी आती है, वो बिल्कुल एक सी ही होती है। ठीक है, वो एक सी होती है, वो आपके किसी पर्पस के लिए है। अब यही बात है कि जब हमारी सन की जो एनर्जी है वो जो हमारी अर्थ पे पड़ती है, तो कहीं उसी एनर्जी से पेड़ पौधे उग रहे हैं, कहीं पर लोग सोलर पैनल से उससे बिजली बना रहे हैं। अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, कोई उसको कम रिसीव करता है, कोई उन्हें ज़्यादा रिसीव करता है। तो इसी प्रकार डिवाइन की जो एनर्जी है वो तो सबके लिए आ रही है, इस पूरे प्लैनेट पर सबके लिए आ रही है। पर इस जर्नी पे आने से पहले आप ये समझते नहीं थे। ठीक है, या जो अभी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी नहीं हुई है, वो उस एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते। उनके लिए भगवान मतलब कि मंदिर में जाके आग बंद करके अपनी मनोकामना को रखना और बाद में उसके पूरे होने का इंतज़ार करना, बस यही पूजा होती है। ठीक है, जब हमारी अवेकनिंग प्रोसेस होती है शुरू, तो हमको एक आइसोलेट कर देते हैं, एक अलग जगह, एक खुले मैदान में खड़ा कर देते हैं जहाँ पर कि पूरी धूप आएगी। ठीक है, ओके। सो अब आपको वो जो डिवाइन की एनर्जी है वो अच्छे से रिसीव हो रही है। ठीक है, हम सबको रिसीव हो रही है, उन लोगों को कम रिसीव हो रही है जो कि जानते ही नहीं डिवाइन की ऊर्जा बरस रही है, उसे कैसे हम लें। हम ये जान गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऊर्जा आपको आप रिसीव कर रहे हो, ये आपके जो आपके अंदर जो भी बॉडी में रिपेयरिंग होनी है, जो भी रीवायरिंग होनी है, जो भी क्लेंजिंग होनी है, ये उसके लिए आपको भेजी जाती है। ठीक है, आप होप यू कैन जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है ना, अपनी बॉडी को हमें इवॉल्व करना है, हमें बॉडी के अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए
हमें ये सारी ऊर्जाएं भेजी गई हैं, ठीक है, जो हम रिसीव कर रहे हैं। सोल को क्लेंस करना है, ठीक है, तो सोल हमारी बॉडी को लाइट बॉडी में टर्न करना है। मरकबा करते हैं ना आप लोग, टर्निंग योर लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ओके। सो हमको लाइट बॉडी में आना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना है, ठीक है। सो हमारी सारी रीवायरिंग, रिपेयरिंग, क्लेंजिंग, सारा चीज़ें इस ऊर्जा से ऑटोमेटिकली होती है। और हमें कैसा फील होता है, वी फील सम फिजिकल सिम्टम्स, मे बी सम लाइक कुछ इंटरनल इफ़ेक्ट्स आपको फील होते हैं, कुछ सेंसेशन चक्रास में फील होते हैं, ठीक है। आपको हेडेक्स भी होते हैं समटाइम्स, बॉडी पेन्स भी होते हैं, मूड स्विंग भी होता है, आपके फूड हैबिट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। और यस, फूड हैबिट्स चेंज हो रही है तो आपको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, अच्छी डाइट की भी ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन लाइफ में भी, लाइफस्टाइल को भी चलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, करेक्ट। आपको टाइमली रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, आपको पूरे प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, पूरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंटरनल क्लेंजिंग चल रही है, आपके डीएनए की रिपेयरिंग हो रही है, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो ये इस टाइम पे ये जो ऊर्जा दी हुई है, जो ये करंट एनर्जी है, वो इस पर्पस के लिए आपको एम्ब्रेस करना है अपने अंदर के चेंजेस, आपके बॉडीली चेंजेस, आपके इमोशनल चेंजेस, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जो फिज़िकल आपको राइट नाउ जो आपके सिम्टम्स आपको फील कर रहे हैं, उनको बजाय परेशान होने के उन्हें एम्ब्रेस करना कि हाँ ठीक है, चलिए मेरी बॉडी में पेन हो रहा है बट मेरी बॉडी रिपेयर हो रही है, मुझे हेडेक्स हो रहे हैं बट यस मेरा डीएनए हील हो रहा है, ठीक है। व्हाट एवर द सिम्टम्स आई एम फीलिंग, उसको एम्ब्रेस करिए बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड बाय द डिवाइन, ठीक है। तो हमें उस जो इवॉल्व आप हो रहे हो उसको एम्ब्रेस करना है, जो रिपेयर हो रहा है उसको एम्ब्रेस करना है, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस करना है, ठीक है। ये एनर्जी जो आती है आपकी, वो हम कैसे परसीव करते हैं इस पर डिपेंड करती है। अब आप कहोगे कि मैम इसका करंट एनर्जी से क्या मतलब है, होता क्या है कि इस एनर्जी को आपने परसीव क्या कैसे किया है। कलेक्टिव में जो एनर्जी होती है कि अगर यही एनर्जी को आप पॉजिटिवली परसीव कर रहे हो, जो बिगनिंग ऑफ द जर्नी में है वो थोड़ा सा पैनिक में होते हैं कि एकदम से ये हेडेक्स चालू हो गए और बॉडी में पेन चालू हो गया, कभी भूख बहुत लग रही है, कभी आप सो नहीं पा रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा गले में खराश टाइप की हो रही है, तो कहीं सेक्रल में पेन हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पानी पीना है, कभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो इन द बिगनिंग आप पैनिक होते हो, तो कलेक्टिव में आपको ये बताया जाता है कि अभी ऐसी एनर्जी है, वो डिवाइन एनर्जी वैसे ही आपके अंदर रिपेयरिंग कर रही है, बट आपको ये लगता है कि अब मेरी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, बट आप उस एनर्जी को परसीव कर रहे हो, हील कर रहे हो, खुद को रिपेयर कर रहे हो, और अब जाके आप एक डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ गए। हुआ क्या, सब चीज़ें टाइमली अपना काम कर रही है, बट आप रिपेयर होते होते, रीवायर होते होते, डीएनए सेलुलर लेवल पर चेंज होते होते, अब आप डिवाइन फेमिनिन बन गए। अपने सारे वुंड्स को आपने रिलीज़ कर दिया, सारी बॉडी की नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ कर दिया, पूरे पास्ट लाइफ के कर्मा आपने रिलीज़ किए, एंड नाउ योर एनर्जी हैज़ बीन चेंज्ड। अब डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, वो इस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाता है, ठीक है। लाइक किसी गली में कोई घर है, वहाँ पर वो सन की एनर्जी पहुँच ही नहीं रही है, तो वो इस एनर्जी को समझ ही नहीं पाते हैं, वो उसको रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर उनकी एनर्जी कैसी रहेगी कि पहले एनर्जी तो आ रही है, चेंजेस तो हो रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको अपना कर्मा भी क्लियर करना है उनकी। लेट मी एड ऑन वन थिंग, जो कि अभी मैं काउंसलिंग में एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी हैं कि जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, उसके बाद आप डिवाइन फेमिनिन बन गई, अब आप अपने आप को बहुत इवॉल्व समझती हैं, आपको लगता है नाउ आई हैव बिकम डिवाइन फेमिनिन, तो अब आप अपने डीएम के बारे में पूछते हो कि मेरे डीएम में ये बुराई है, ये बुराई है, वो कब अवेकन होगा,
अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो अभी आप भी डिवाइन फेमिनिन नहीं बने हो, क्योंकि आप, या फिर अब आप उनको ईगो दिखा रहे हो, आप उनसे इस तरीके से बात कर रहे हो कि तुम्हारे में, अब आप उनको उनकी कमियां दिखा रहे हो, जो कमियां वो पहले दिखाते थे आपको, वो कमियां अब आप उनको दिखाते कि तुम्हारे अंदर ईगो का इशू है, तुमको समझना चाहिए, तुम्हें लाइक अपने कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए, या तुमने मुझे ऐसे ब्लॉक क्यों किया, वाई कांट यू अंडरस्टैंड मी, वाई यू आर डूइंग दिस विद मी, वाई यू आर डूइंग दैट विद मी. Now you are trying to trigger your person, showing, posing yourself that I have become divine feminine, तो अब मैं अपने person को सिखा सकती हूँ. ठीक है, ये आपका ego है, आपका कोई right नहीं है कि आप अपने person को trigger करो. अगर आप अभी भी इतनी energy में, इतने ऊपर आने के बाद भी trigger कर रहे हो, तो अभी आप स्टिल डिस्टॉर्टेड फेमिनिन ही हो. मेंटेन योर डिविनिटी. आपको अपने कायदे से, अपने सलीके से, अपनी एलिगेंसी से, अपनी मैच्योरिटी से, अपनी अवेयरनेस से बात करनी है. आपको उनकी गलतियां दिखाने का कोई अधिकार नहीं है. इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन. उनकी अवेकनिंग कैसे होगी इज नन ऑफ योर बिजनेस. वो अपना कार्मिक पूरा क्लियर करके, कार्मिक वुंड्स, कार्मिक उनकी जो भी बैगेजेस हैं और वहाँ से जो भी लेसन्स मिलेंगे और उनकी जिस तरीके से ईगो डेथ होगी, यस, उस कन्फ्यूजन्स का, उस पैनिक एनर्जी का आप पे मान सकते हैं कि एक ऑकवर्ड वियर्ड रिएक्शन उनका हो सकता है. सो आप तो डिवाइन फेमिनिन बन गई हैं. अंडरस्टैंड देयर एनर्जी कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं. नाउ You have got so many spiritual gifts. आप intuitive बन चुकी हैं, तो why can't you understand your own person? कि अगर वो इस प्रकार से behave कर रहा है, तो hopefully he is going through with the tough process. ठीक है, एक soul shock से गुजर रहा है, वो एक pain की energy से गुजर रहा है, तो it could be his defense mechanism. हमारा गुस्सा क्या होता है? गुस्सा एक defense mechanism है. ठीक है, थोड़ा गुस्सा ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल बी पेशेंट ऑफ हार्ट. अब मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, बट एक डिफेंस मैकेनिज्म तक जो गुस्सा है होना चाहिए, दैट इज सफिशेंट, वो ज़रूरी है. तो आपके पर्सन अगर आपसे वियर्ड बिहेव कर रहे, तो वो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि उन्हें वो जो भी पैनिक एनर्जी से, वो जो उनके अंदर इकट्ठा हो रही है, उसको रिलीज करना है. तो उन्होंने आपको चुना है उस माध्यम के लिए. इट डज नॉट मीन कि आप उनको उल्टा खंजर घोपो. ठीक है, कि ठीक है मैं अब इवॉल्व हो चुकी हूँ, अब मैं उसको उसका कर्मा दिखाऊंगी, उसके उसकी उसकी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करूंगी और वुंडेड करूंगी. तो अभी आपको बहुत काम करना बाकी है. तो अब मेन चीज़ है करंट एनर्जी, जो डीएम की होती है, ये एनर्जी पर्सन टू पर्सन होती है कि वो कितना रिसीव करता है. सो कलेक्टिव में हम लोग कहते हैं कि करंट एनर्जी जो होती है सबकी सेम सिमिलर नहीं होती. हम कहते हैं ऐसा कि किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं करेगी, या ये टाइमलेस है कि कभी आगे जाके आपके डीएम से रेजोनेट करेगी, आगे जाके आपसे करेगी. क्योंकि उस वक्त वो जो डिवाइन की एनर्जी आ रही है, उसको कौन किस लेवल पर रिसीव करता है, परसीव करता है. डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है. बहुत रेयरली जाके आप देखोगे कि वो पॉजिटिव होती है. कि हाँ, अक्सर आप देखोगे टैरो में, जैसे कि ये लोग कंफ्यूज करते रहते हैं कि हाँ अभी तो वो चल पड़े हैं और अभी फिर बीच में वो स्टक हो गए और फिर उनको इट्स ऑल पर्सन टू पर्सन. सच्चाई यही खुलासा करना है कि हर इंसान की करंट एनर्जी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है. आपके मैस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त आपसे आपको मिरर कर सकती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकती है. डिपेंड्स अपॉन द इनर वर्क. जिस दिन वो बराबर होगी, उस दिन यूनियन हो जाएगा. You can differ your energy with your person because अब आपकी energy imbalance हो गई है, इसलिए आप union में नहीं हो, right? तो कोई एक एक each and each individual, each DM, each and every DF उस divine की energy को किस तरीके से
परसीव करती है, रिसीव करती है, एम्ब्रेस करती है या नहीं करती है, एटीट्यूड पे करती है या पैनिक में रहती है, वो एनर्जी पर्सन टू पर्सन अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नेवर गो फॉर द टैरो रीडिंग्स एंड कलेक्टिव एनर्जी और डिवाइन डीएम वर्सेस डीएफ एनर्जी, ये सब आपको सिर्फ मिसगाइड करती है क्योंकि वो आपकी एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा आज की एनर्जी बनाती हूँ। ठीक है, कि अभी इस वक्त करंट में कलेक्टिव में क्या लोग परसीव कर रहे हैं उसको मैं ग्रैब करके आपको बताती हूँ। और उस पर भी मेरा उद्देश्य आपको डिज़ायर और लस्ट में डालना नहीं होता है कि आप अब उनके बारे में याद करो सोचो, बस आपको अवेयर करना कि अभी अगर ऐसा आप फील कर रहे हो तो आपको क्या करना है। माई एनर्जी इज़ मोर ऑफ ऑन द टिप्स, जिसमें ज्ञान ज़्यादा होता है और एनर्जी कम होती है, जिसमें लस्ट और डिज़ायर कम होता है, नॉलेज अवेयरनेस एंड डिवाइन मर्जिंग। तो डेफिनेटली एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, ये जो डिवाइन की एनर्जी आपको रिसीव होती है हर दिन हर पल हर क्षण, ये डिवाइन में मर्ज होने के लिए होती है, आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए होती है, आपकी लाइट बॉडी के लिए होती है, ना कि आप इस एनर्जी का यूज़ डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी जानने के लिए करें। तो ये मेरा कोर ट्रुथ था जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो एनर्जीज जो लाइट कोड्स जो आप रिसीव कर रहे हो ये सिर्फ आपको आपके डिवाइन से मिलाने के लिए हो रहा है कि जिस घर से आप निकले थे उस घर में वापस आपको जाना है, वापस मर्ज होना है अपनी बॉडी को लाइट करके, अपनी सोल को इवॉल्व करके। दैट्स इट, डोंट मिसयूज दिस एनर्जी फॉर लस्ट एंड डिज़ायर। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।